हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में। सो डायरेक्ट एक्शन कब लिया गया था? 16 अगस्त 1946 को। किसने लिया था? मुस्लिम लीग ने लिया था। क्यों लिया था? तो देखिए, इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो पे जाना पड़ेगा। हमने इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, फिर हमने ये पढ़ा कि जब इलेक्शंस होते हैं इंटरिम गवर्नमेंट बनने के बाद, तो INC के पास ज़्यादा सीट्स चली जाती हैं और मुस्लिम लीग के पास कम सीट्स आती हैं। फिर हमने पढ़ा था कि जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो इस बात से डर गए कि अब मैक्सिमम जो सेंटर है हमारा, मैक्सिमम पावर्स उनके पास चली जाएंगी। वो तो ये बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, कैबिनेट मिशन के जो भी प्रपोजल्स थे उसको रिजेक्ट किया और डायरेक्ट एक्शन लिया 16 अगस्त 1946 को, एक तरह से अपना गुस्सा दिखाने के लिए। ठीक है, लिंक मैंने इंटरिम गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाइए देखिए, तो आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। सो प्रीवियस वीडियो को हमने छोड़ा ही डायरेक्ट एक्शन पे था, इसलिए आज हम डायरेक्ट एक्शन से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले किसने किया था? मुस्लिम लीग ने किया था। कब किया था? 16 अगस्त 1946 को लिया था ये एक्शन। इसे क्या किसी और नाम से भी जाना जाता है? तो ऑब्वियसली इसे ग्रेट कैलकटा किलिंग्स भी कहा जाता है। कैलकटा मतलब वहाँ पर ये एक्शन लिया गया था। इसे ब्लैक डे भी कहा जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब भारत के इतिहास में से काले दिन के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें ऐसा हुआ क्या था? मॉब वायलेंस हुआ था, मतलब जो लोगों का झुंड था वो वायलेंट हो गया था कैलकटा में, विच लेड टू ब्लडशेड, मर्डर एंड टेरर। लोगों का खून बहा, मर्डर किया गया, आतंक फैल गया। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि 4000 से भी ज़्यादा लोगों की इस टाइम पे डेथ हो गई थी और अप्रॉक्सीमेटली 10,000 लोग जो हैं वो बिना घर के हो गए थे। दे वर लेफ्ट होमलेस विद इन 72 आवर्स, 72 घंटों के अंदर अंदर। ठीक है, अब जब ये सब कुछ हुआ तो इसको बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। वैसे ही हम यहाँ पे सुहरावर्दी की बात करेंगे, जो कि मुस्लिम लीग CM ऑफ बंगाल थे, मतलब जो मुस्लिम लीग थी ना, तो उसके CM थे बंगाल के। इन्होंने कहा कि यहाँ पे जो है पार्टीशन, मतलब आप कहते हैं ना उसको, कि फेवरिज्म किया गया। ठीक है, और जॉन बुरोज थे, उन्होंने भी क्रिटिसाइज़ किया। जब ये फसाद, दंगा फसाद हुआ, या आप कह लीजिए जब ये हिंसा हुई, मॉब वायलेंस हुआ, इसके बाद छोटे मोटे जो विद्रोह हैं वो और जगह पे होने स्टार्ट हो गए। ठीक है, अब जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो गांधी जी थे, उन्होंने अपने अपने थ्रेट्स देने स्टार्ट किए। जैसे कि गांधी जी ने कहा कि मैं फास्ट अनटू डेथ करूंगा, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस चीज़ को बंद कीजिए। अब होता क्या है, इसी टाइम पीरियड में, छोटी सी कहानी, वो मैं आपको सुना रही हूँ, यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि यहाँ पे वही लिखा है जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, फालतू नोट्स क्यों बनाने। सो अब इस टाइम पे होता क्या है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी बनी थी। ठीक है, तो उसकी मीटिंग्स के लिए भी जाना पड़ता था। तो अब हुआ क्या कि मीटिंग के लिए बुलाया गया INC, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, स्वराज पार्टी, हर एक पार्टी को बुलाया गया। अब उसमें मोहम्मद अली जिन्ना कैसे जाते, इतना बड़ा कांड करके जो बैठे थे, क्योंकि ये तो था उन्हीं का सारा किया धरा, अब वो कैसे जाते? उन्होंने जो है एक्सेप्ट नहीं किया प्रपोजल, एक्सेप्ट इन द सेंस कि वो गए ही नहीं मीटिंग में। अब मीटिंग में नहीं गए तो फिर यहाँ पे जो हेड है उनका काम आएगा। नाउ टू सेव द सिचुएशन, ब्रिटिश पीएम थे क्लेमेंट एटली। अब हमने एक दो वीडियोस पहले जब जनरल इलेक्शन वाली वीडियो पढ़ी थी, तो उसमें हमने पढ़ा था कि ये कौन सी पार्टी से थे। ठीक है, विंस्टन चर्चिल थे एक साइड पे, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से थे। तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्लेमेंट एटली कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ब्रिटेन के PM थे, इन्होंने बुलाया फिर लंदन में एक INC के लीडर को, एक मुस्लिम लीग के लीडर को, एक सिख लीडर को, लंदन में बुलाया कि जो भी इशू है इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, जो भी डेडलॉक हुआ था नॉन अटेंडेंस ऑफ द मीटिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मतलब जो संविधान सभा की मीटिंग्स अटेंड नहीं की जा रही थी, क्यों अटेंड नहीं की जा रही थी, इसको जानने के लिए, इसको जो भी इशू था उसको डिस्कस करने के लिए लंदन बुलाया गया। ये लोग लंदन गए बट इट डिडंट वर्क, कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि कुछ खास रिजल्ट रहा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, छोटा सा टॉपिक था, 3-4 चीज़ें इसमें पढ़ने वाली हैं कि ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स के नाम से जाना जाता है, ब्लैक डे के नाम से जाना जाता है, 16 अगस्त 1946 को हुआ था, मुस्लिम लीग का किया धरा था, मॉब वायलेंस हुई थी कलकत्ता में विच लेड टू ब्लडशेड, मर्डर एंड टेरर, बाद में सिचुएशन को संभालने के लिए ब्रिटिश PM एटली ने इन सब लोगों को लंदन बुलाया क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग्स में नहीं जा रहे थे, अटेंड नहीं कर रहे थे, बट उसका भी कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो,
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक एकदम से नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई भी आपके पास डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगी। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड दैट्स इट गाइस, सी यू सून।